हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल रोहित एमएलटी में। आज हम बात करने वाले हैं एसजीपीटी के बारे में। ये हमारा लीवर डिजीज का टेस्ट है, एसजीपीटी, जो हमारा लीवर से संबंधित होता है। जब भी कोई दिक्कत हमारे लीवर में होती है तो ये है अब नॉर्मल हो सकता है। आज हम अपनी लेबोरेटरी में एसजीपीटी के टेस्ट को कैसे परफॉर्मेंस करेंगे ये है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास अरबा कंपनी की ये मशीन है, चैम 5+V2। ये हमारी मशीन है, सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। इसमें हम अपने टेस्ट एसजीपीटी को कैसे परफॉर्मेंस करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी मशीन की डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर जो भी हमारा पैरामीटर्स है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये हमारा मशीन का कीपैड है। इस कीपैड की मदद से हम अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम अपने चलते हैं टेस्ट की ओर। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी मशीन की डिस्प्ले है। हमारी मशीन की डिस्प्ले एकदम रेडी है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने टेस्ट रन की ओर। टेस्ट पैरामीटर्स इसमें हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं, मेंटेनेंस इसमें देख सकते हैं, और पेशेंट की रिपोर्ट, जो भी हमारा डाटा है उस डाटा को हम देख सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम चलते हैं, हमें टेस्ट को परफॉर्म करना है तो हम चलते हैं रन टेस्ट की ओर। हमारा ये कीपैड बना हुआ है, कीपैड पर हमें एक नंबर को क्लिक करना है। एक नंबर को क्लिक करने के बाद ये हमारा मशीन की डिस्प्ले है, जो भी हमारे पैरामीटर्स लगे हुए हैं इसमें, जो भी हमारे टेस्ट को रन करने हैं वो सारे टेस्टों की लिस्ट यहाँ पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्लूकोज है, यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन, प्रोटीन, सारे ए टू जेड टेस्ट हमें इस पेज पर मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हमें पेज टू नंबर को क्लिक करना है तो हम सेकेंड पेज पर पहुंचेंगे। थ्री नंबर को क्लिक करेंगे तो हम थर्ड पेज पर पहुंचेंगे। हमें क्या लगाना है, एसजीपीटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे ये अप डाउन लेफ्ट राइट के जो भी बटन हैं, इनके माध्यम से हमें अपने एसजीपीटी पर जाना है। ये जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर लेफ्ट राइट अप डाउन करके हमें एसजीपीटी पर जाना है। ये हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एसजीपीटी का पैरामीटर्स है। जो भी हमें इसमें फिल्टर 340, फैक्टर हमारा 1746, 50 सैंपल, 500 वर्किंग एजेंट, टाइमिंग है हमारी 60 सेकेंड और 180 सेकेंड। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ये एसजीपीटी का वर्किंग एजेंट है। 20 ml की ये हमारे पास बोतल है। इसकी जो भी लॉट नंबर है, एक्सपायरी है, ये सब आपको इस पोर्टल पर मिलेगी। हमें क्या करना है, इस वर्किंग रिजल्ट को 500 माइक्रोलीटर अपने ग्लास ट्यूब में लेनी है माइक्रोपिपेट की मदद से। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 500 माइक्रोलीटर का ये हमारा पिपेट है, और इसी के साथ ये हमारी टिप आई हुई है 1000 की। तो हम इसको 500 माइक्रोलीटर करके हम इस वर्किंग रिजल्ट को एक कांच की ट्यूब में हम 500 माइक्रोलीटर को इसमें ऐड करेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ये 500 माइक्रोलीटर हमने इसमें वर्किंग रिजेंट को लिया है। इसमें हमें 50 माइक्रोलीटर जो है पेशेंट का सैंपल को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने 50 माइक्रोलीटर सैंपल को ऐड कर दिया है। ये हमारी मशीन है, मशीन की डिस्प्ले है, इस पर हमारा एक्सप्रेट वाटर मांग रहा है तो हमें यहाँ से एक्सप्रेट वाटर को रन करा देना है। ये जो येलो कलर का बटन आप देख पा रहे हैं, इसको हमें क्लिक करके हमें वाटर को एक्सप्रेट कराना है। ये हमने वाटर को एक्सप्रेट करवा दिया है मशीन के अंदर। ये अब हमारी मशीन एक्सप्रेट सैंपल मांग रही है। जो भी हमने सैंपल लिया है वर्किंग रिजेंट 500 माइक्रोलीटर और 50 माइक्रोलीटर उसमें सैंपल ऐड किया है, उस सैंपल को हमें इसमें एक्सप्रेट करवा देना है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक्सप्रेट करा दिया है। एक्सप्रेट करने के बाद ये हमारा 4 मिनट की टाइमिंग लेगा। ये हमारी ओडी चल रही है, ओडी 1.5 से स्टार्ट है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। ये हमारा 4 मिनट की टाइमिंग में ये रिजल्ट आ जाएगा। इसकी जो भी हमारी वैल्यू आएगी
यूनिट पर लीटर में आएगी। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा रिजल्ट जो है वो है 38.59 यूनिट पर लीटर हमारा रीडिंग आई है। नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 45 यूनिट पर लीटर, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ऐसे ही 1x1 करके हम अपने नेक्स्ट टेस्ट को भी रन कर सकते हैं। ये हमारा अरबा कंपनी का जो भी वर्किंग रिजल्ट था हमने उससे ये टेस्ट को परफॉर्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीमेंस कंपनी की हमारा जो वर्किंग रिजल्ट है उसमें SGPT को कैसे रन करते हैं। अपनी दूसरी मशीन CHAM 7 अरबा कंपनी की मशीन है CHAM 7, हम उसमें अपने टेस्ट को SGPT को कैसे रन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम पैरामीटर्स को भी कैसे सेव करते हैं उसमें और कैसा हमारा लिटरेचर होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।